हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का, जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 5, समरेश संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। इसके प्रीवियस पार्ट में हम आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता चुके हैं कि समरेश संख्याएं क्या होती हैं और कैसे हम डिनोट करती हैं, इन सभी के बारे में। तो आप सब एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि तस्मत जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी क्या होती है। कुछ इसके आइडेंटिटी हैं जो कि जानना है, क्योंकि उन सभी का प्रयोग आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। पहला हमारा है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे पता है कि Z1 हमारा क्या होता है, a प्लस ib। तो यहाँ पे Z1 प्लस Z1 जेड जो हमारा है, इसी को हम समीर संख्याएं कहते हैं। हमें यहाँ पे ज्ञात करना है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। तो आपको पता होगा a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, a की जगह पे हमारा क्या है, a की जगह पे हमारा है यहाँ पे z, देखिए Z1 है, और b की जगह पे हमारा है Z2, और यहाँ पे हमारा ए और बी की जगह पे लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे भी वही चीज़ यूज करना है, लेकिन यहाँ पे हम आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं कि कैसे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। जैसे आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम प्रूव कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा Z1 प्लस Z2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा Z1 प्लस Z2। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, इसे हम अलग अलग तोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि घात आधार समान हो तो जो घातें होती हैं वो जुट जाती हैं। तो इसके पावर एक है और इसके पावर भी एक है, तो यहाँ पे जुट जाके 2 हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे हम गुणा करते हैं, तो Z1 का हम Z1 में करेंगे तो Z1 स्क्वायर हो जाएगा, Z1 का Z1 में। फिर Z1 का Z2 में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा Z1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे Z2। और फिर यहाँ पे जब हम Z2 Z1 में करेंगे तो ये भी हमारा Z1 और Z2 जाएगा, और यहाँ पे Z2 का Z2 में करेंगे तो ये जाएगा हमारा Z2 स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं Z1 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 Z1 Z2, तो ये हमारा 2 Z1 Z2, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा Z2 स्क्वायर। तो ये हमारा होता है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। क्या होता है, Z1 स्क्वायर 2 Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर। ऐसे अगर हम आपसे कहें कि Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब क्या होता है, तो ये होता है Z1 क्यूब प्लस क्या होता है Z2 क्यूब प्लस होता है 3Z1Z2 ब्रैकेट में होता है Z1 प्लस Z2। तो ये हमारा होता है a प्लस बी का होल क्यूब, वही हम यहाँ पे यूज किया है। बस यहाँ पे a की जगह पे Z1 है, b की जगह पे Z2 है। अब हम आपसे पूछे कि Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब क्या होता है, तो आपको पता है कि वैल्यू हमारी सभी वही रहेंगी, सी प्लस की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जगह माइनस 3Z1Z2 ब्रैकेट में Z1 माइनस Z2। आगे हम देखें तो आगे हमारा यहाँ पे क्या है, Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ये होता है ए ब्रैकेट में Z1 माइनस Z2 और दूसरे ब्रैकेट में होता है Z1 प्लस Z2। ऐसे ही आप a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल सकती हैं, मतलब Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। तो ये होता है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1Z2। तो ये सभी फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इसे हम कहते हैं समय संख्याओं के आइडेंटिटीज। जैसे इन पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारा यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, एक एग्जांपल है 5 - 3i का होल क्यूब है, को बोला है a प्लस ib के रूप में व्यक्त कीजिए। अब आप सोचेंगे यहाँ पे तो a प्लस ib के फॉर्म में तो है, मतलब a है और ib है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्यूब है, हमसे पूछा है कि a प्लस ib के रूप में व्यक्त करना है, तो अर्थात हमें इसे सॉल्व करना होगा। तब आपको यहाँ पे यूज करना होगा, वो यूज क्या करना होगा, Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है Z1 क्यूब माइनस Z2 क्यूब माइनस 3Z1Z2 और ब्रैकेट में क्या होता है, Z1 माइनस Z2 होता है। जब आप इसे, ये तो हमारा फार्मूला है, यहाँ पे Z1 के जगह पे हमारा क्या है, Z1 के जगह पे 5 है, Z2 के जगह पे हमारा 3i है, तो यहाँ पे हम रखते हैं। तो आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 5 - 3i का क्यूब है, Z1 जहाँ भी दिखाई दे वहाँ पे हमारा 5 है, तो हम 5 का यहाँ पे क्यूब करते हैं। आगे
थ्री आई है, जेड टू की जगह पे हमारा क्या थ्री आई है, आई को भी हम साथ में लेंगे क्योंकि जेड टू हमारा यहाँ पे पूरा है, तो यहाँ पे लेंगे थ्री आई का होल क्यूब माइनस थ्री इंटू जेड वन की जगह पे फाइव है, ये इंटू है बीच में, और ये हमारा इंटू जगह जेड टू की जगह पे हमारा क्या है थ्री आई है, और यहाँ पे जेड वन माइनस जेड टू मतलब फाइव माइनस थ्री आई हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा, तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे फाइव का क्यूब कितना होता है, फाइव का क्यूब होता है वन टू अरे मतलब 125, और यहाँ पे थ्री आई क्या है थ्री आई क्यूब है। अब आपको पता होना चाहिए कि थ्री आई क्यूब क्या होता है, तो ये होता है सबसे पहले यहाँ पे देखिए थ्री का क्यूब करेंगे तो 27 हो गया क्योंकि माइनस है तो ये हो जाएगा 27, और आई क्यूब हमारा आई क्यूब ऐसे हो जाएगा। अभी हम इसका मान भी यहाँ पे रखेंगे क्योंकि हम आपको प्रीवियस पार्ट में बता चुके हैं कि आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाइंग का कर दें 533, ये हो जाएगा हमारा 45i, और यहाँ पे हमारा क्या है 5 - 3i है, और ये हमारा हो जाएगा 125 - 27। आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस वन, क्या होती है यहाँ पे आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई होती है, क्या होती है माइनस आई होती है आई क्यूब की वैल्यू। वो हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि आई की वैल्यू क्या होती है रूट ऑफ माइनस वन होती है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी माइनस वन होगी क्योंकि रूट हट जाएगा, तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू है। हम आपसे पूछे कि आई क्यूब की वैल्यू होगी तो आप इसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर, या हम क्या लिख सकते हैं इंटू आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो या तो आपके पास एक तरीका इसका और है, आई क्यूब की जगह पे हम आई स्क्वायर इंटू आई लिख दिए, तो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या है माइनस वन है, तो माइनस वन कर देते हैं, और यहाँ पे क्या है आई से इंटू है, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस आई हो जाएगी। तो यहाँ से हम ज्ञात करते हैं आई क्यूब की वैल्यू, जो कि मैं आपको प्रीवियस पार्ट में बता चुके हैं, तो आप उन सबको ज़रूर देखिए, इसलिए हम आपसे कहें कि वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये हमारा हो जाएगा आई क्यूब की वैल्यू क्या है माइनस वन हो गया, माइनस आई हो गया माइनस। अब यहाँ पे हम माइनस के साथ इसका मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 225, ये हमारा क्या है माइनस में, और आई भी हो जाएगा माइनस और माइनस में कहेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा 135 आई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आई है और आई का मल्टीप्लाई होगा तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे जिसकी वैल्यू है उसे लिखते हैं, ये तो हमारा वैसे ही रह जाएगा, और यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे प्लस हो जाएगी माइनस है या माइनस यहाँ पे, तो ये 27i और यहाँ पे माइनस 25i प्लस। अब देखिए यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, तो जब आप माइनस वन से यहाँ पे मल्टीप्लाएंगे तो ये जाएगा माइनस 135। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 10, यहाँ पे देखिए 135 25, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 198i। हमें यहाँ पे बोला था क्वेश्चन में कि a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो ये हम इसे और तरीके से हम लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं माइनस 10 प्लस माइनस 198i, तो ये देखिए हमारा हो गया a प्लस बी के फॉर्म में, ये हमारा a हो गया प्लस सॉरी माइनस बी ये है, तो यहाँ पे b हो गया ये i है, तो a प्लस आई बी के फॉर्म में यहाँ पे हो गया, जो कि हमसे क्वेश्चन में कहा था इसे व्यक्त करें। तो इस तरीके से अब आप सोचिए कि इसका प्रयोग हमें कहाँ करना था, इसका प्रयोग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में करना होगा। यहाँ पे आगे हम आते हैं एग्जाम्पल पे, जेड का जो मापांक होता है वो होता है मॉड ऑफ जेड। अब आप सोचेंगे मॉड ऑफ जेड मतलब मॉड की जो वैल्यू, मॉड में जो भी, इसे हम कहते हैं मॉड, इसे हम क्या कहते हैं मॉड, और इसके अंदर जो भी मान होता है वो जब बाहर आता है तो धनात्मक हो जाता है, किस में जाता है धनात्मक मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है। तो जेड का मापांक जो होता है उसे हम कहते हैं वो इक्वल होता है मॉड ऑफ जेड के। अब जो मॉड ऑफ जेड है ये बराबर होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, किसके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ गया कि जेड बराबर आपको दे दिया गया 3 + i, ठीक है, तो मॉड ऑफ इसका मापांक आप निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा मॉड ऑफ जेड, ऐसे रखेंगे आप, और मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या है 3 + i, तो यहाँ पे हम 3 + i रख दिए, और ये क्या होता है ये इक्वल होता है। अब आपको पता करना होगा कि a और b क्या होता है, ये हमारा a होता है और i का जो गुणांक होता है इसका i को नहीं लेना है,
यहाँ पे जो हमारा आई का गुणांक होता है सिर्फ उसे लेना है, तो आई के गुणांक हमारा वही बी होता है, तो यहाँ पे हम लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई का एक है तो एक एक की जगह पे हमें क्या रखना है, तीन का स्क्वायर प्लस, और बी की जगह पे हमें क्या रखना है, एक का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बी की जगह पे क्या है, एक का गुणांक है, तो हम एक का स्क्वायर करेंगे। फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या जाएगा, नौ प्लस एक, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे दस। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। जेड का अगर मापांक पूछे तो इसे हम मॉड ऑफ जेड करते हैं, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू होती है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपसे अगर पूछा जाए कि जेड के पावर ऐसे अगर बार कर दिया जाए, जेड के पावर बार इसे हम कहते हैं बार, अगर कोई भी मतलब है जैसे ए के पावर ऐसे कर दे तो ये हमारा बार हो जाता है। तो जेड के पावर बार क्या होता है, कोई वैल्यू आपको जेड में प्लस में दी गई, जैसे इसी को लेते हैं, ये हमारी जेड की वैल्यू है, अगर जेड बार हमें ज्ञात करना है तो ये वैल्यू क्या होती है, माइनस में जाती है, अर्थात थ्री माइनस आई यहाँ पे हो जाएगी। जैसे हम आपसे कहें कि जेड बराबर आपको फोर प्लस फाइव आई दिया गया है, तो जेड बार जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा फोर माइनस फाइव आई, इस तरीके से ये परिवर्तित हुआ। जब बार लगाएंगे तो ये वैल्यू क्या होती है, ऋणात्मक से धनात्मक में परिवर्तित हो जाती है, सॉरी धनात्मक से ऋणात्मक में परिवर्तित हो जाती है। कुछ यहाँ पे इसके तथ्य हैं जो कि आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रयोग किया जाए, जैसे यहाँ पे पूछे कि जेड का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक मतलब वन बाई करके, तो ये हो जाएगा जेड के पावर माइनस वन, ये होता है जेड के पावर बार बटे मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। अब जेड की पावर बारह को पता है कि जेड की पावर बारह क्या होता है, ये कोई भी वैल्यू हो वो क्या होगी, यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगी, और मॉड ऑफ जेड का होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपको पता रहता है, इसी का हम स्क्वायर कर देंगे तो रूट जो होगा वो हमारा हट जाएगा। तो अभी हम इसका एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे जो कि काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कुछ और तथ्य हैं, जैसे इसे हम कहें कि मॉड ऑफ जेड वन और जेड टू लिखा है तो इसे आप अलग कर सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, जेड वन मॉड ऑफ जेड वन मॉड ऑफ जेड टू, तो यहाँ पर पहले हम जेड वन की मॉड ऑफ निकालेंगे फिर जेड टू का मॉड ऑफ निकालेंगे, फिर उनका हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमारा क्या होता है, अगर इसी को हम डिवाइड के फॉर्म में कर दें, मतलब ऐसे कर दें जेड वन अपॉन जेड टू कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा जेड वन अपॉन जेड टू, मतलब ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे जेड टू है वो इज़ नॉट इक्वल ऑफ जीरो होना चाहिए, मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमारा यहाँ पे जैसे जेड वन इनके जेड टू इस प्रकार से दिया जाए जेड वन इंटू जेड टू ऐसे करके, तो आप इसे जेड वन के पावर बार इंटू जेड टू के पावर बार ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो आपको पता रहनी चाहिए कि क्योंकि इन सभी का प्रयोग हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। जैसे कि जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लिए हैं टू माइनस थ्री आई का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जेड बराबर हमारा क्या दिया है टू माइनस थ्री आई, तो हमें ज्ञात क्या करना है जेड के पावर माइनस वन, मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये होता है जो कि हम आपको अभी बताए हैं जेड के पावर बार अपन मॉड ऑफ क्या होता है जेड स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें जेड के पावर बार की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, तभी तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम जेड के पावर बार का मान ज्ञात करते हैं, जेड के पावर बार हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दिया गया है आपको कितना टू प्लस थ्री आई, ये हमारा हो जाएगा, ये देखिए माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस में होता मतलब क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहता तो ये हमारा जेड बार अगर निकालते तो ये हमारा थ्री माइनस मतलब माइनस में हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, ये वैल्यू माइनस में दी गई है तो यहाँ पे हमारा ये प्लस में जाएगा, बस आपको इतना करना है कि जो वैल्यू धनात्मक है वो ऋणात्मक चेंज हो जाएगी और जो ऋणात्मक है वो धनात्मक में चेंज हो जाएगी। और हमें क्या याद करना है मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड क्या होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या होता है माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए की जगह पे आपको क्या रखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ए की जगह पे हमें क्या रखना है, ए की जगह पे रखना है टू का स्क्वायर, यहाँ पे रखते हैं ए की जगह पे हमें रखना है टू का स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर करते हैं, और प्लस बी की जगह पे क्या रखना है हमें माइनस थ्री, देखिए यहाँ पे माइनस इसलिए माइनस थ्री रखा है, आई को हमें नहीं लेना था ऐसे बी की जगह पे लिखना है। और फिर यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो टू का स्क्वायर मतलब फोर हो गया और थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं रूट ऑफ थर्टीन, ये हमारा रूट में ऐसा मिला है। तो यहाँ पे हम रखते हैं जेड बार की वैल्यू हमारी क्या आई है यहाँ पे थ्री सॉरी आई है टू प्लस थ्री आई और मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, तो पहले मॉड ऑफ जेड की वैल्यू हमें मिला है रूट ऑफ थर्टीन और इसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है, क्योंकि ये तो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू है इसका स्क्वायर हमें करना है, तो यहाँ पे हमारा जाएगा टू प्लस थ्री आई मॉड ऑफ जेड स्क्वायर मतलब रूट थर्टीन का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा थर्टीन हो जाएगा।
तो ये तो हमारा ए प्लस आई बी के फॉर्म में हुआ नहीं, क्योंकि हमें आंसर हमेशा ए प्लस आई बी के फॉर्म में देना है जब भी आपसे सममित संख्या अगर दिया रहे आई के साथ में हो तो। टू बाई थर्टीन ये हमारा ए हो गया और यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा थ्री आई बाई थर्टीन। तो इस प्रकार से हम इसे इसका हमारा आंसर प्राप्त होगा। तो आपको अगर ये पता नहीं होता कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है तो आप इसका आंसर नहीं ज्ञात कर सकते। गुणात्मक प्रतिलोम होता है जेड के पावर माइनस वन और इसे हम क्या लिखते हैं जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ऐसे कई क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है ए प्लस आई बी के रूप में इसे हमें परिवर्तित करना है। क्वेश्चन हमारा क्या है आई के पावर माइनस थर्टी फाइव है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये भी तो हमारा जेड गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है सममित संख्या का उसी के रूप में है, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ पे हमारा जेड होता है मतलब ए प्लस आई बी के फॉर्म में दिया रहता है, यहाँ पे ये हमारा ए प्लस आई बी मतलब जेड के फॉर्म में से दिया, जिसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा वन अपॉन आई को आई के पावर माइनस पैंतीस है, तो ये जब नीचे आएगा तो ये हमारा आई के पावर पैंतीस हो जाएगा। आपको पता है कि जब ऊपर वैल्यू जाती है तो माइनस में जाती है, ये हमारा आई के पावर क्या हो जाएगा पैंतीस हो जाएगा। फिर आप पैंतीस को क्या लिख सकते हैं, आप तो पैंतीस को मतलब कोई वैल्यू आप याद नहीं किएंगे, तो पैंतीस को हम लिख सकते हैं सत्तर दुनी चौंतीस और एक हमारा हो गया यहाँ पे पैंतीस। देखिए आधार समाज तो घाटी रुट जाती है, यहाँ पे आधार समाज ये चौंतीस प्लस एक पैंतीस हो जाएगा। तो इसे हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, ठीक है। माइनस वन का जब आप सत्तर करेंगे पावर तो आपको पता है कि एक के भाग चाहे जितनी भी पावर हो वैल्यू हमेशा एक ही आती है। तो यहाँ पे हमारी क्या देखिए माइनस वन इंटू हमारा क्या है आई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा वन अपॉन माइनस आई। तो आपका आंसर तो ऐसे होगा नहीं वन अपॉन माइनस आई, तो हम इसके लिए क्या करते हैं आई को ऊपर लगाते हैं, मतलब नीचे हम क्या करते हैं आई का इंटू कर दें नीचे ऊपर दोनों तरफ, तो ये हमारा नीचे से आई हट जाएगा। कैसे हटेगा तो चलिए यहाँ पे करते हैं आई का हम क्या करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पे आई हो गया, यहाँ पे क्या हो गया माइनस आई स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है कि माइनस आई स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस वन और माइनस पहले से है तो ये हमारा वन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या उसे मिला वन आई, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा आई। अब इसे आपको ए प्लस आई बी के रूप में लिखना है, तो आप इसे आई को कैसे लिख सकते हैं, आप इसे आई को लिख सकते हैं ज़ीरो प्लस आई, आप इस फॉर्म में से लिख सकते हैं कि देखिए ए के जगह पे हमारा ज़ीरो हो गया क्योंकि कोई मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है और बी के जगह पे हमारा वन है ही, हमें ए प्लस आई बी के फॉर्म में यहाँ पे मिल चुका है। तो आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं या आप सीधे आई बस लिखते हैं तो भी आपको यहाँ पे गलत नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो प्लस आई बात तो वही हो रही है। इसके बाद हमारा अगला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.1, जो कि सब जो भी इसके पहले हम आपको बताए हैं पार्ट वन और पार्ट सेकेंड में उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, जो कि आप एक बार अगर प्रयास करेंगे तो आप अगर आप तक आप समझे हैं इन सभी को तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको जो भी हम यहाँ पे बताए हैं वो समझ में आए होंगे। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। अब जो अगला हमारा एक्सरसाइज है 5.1 वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे।